विधानसभा में पेश हुए बजट के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले बजट से 13% की बढ़ोतरी की गई है। फिजिकल डेफिसिट की 3% की सीमा रखी गई है, फिजिकल डेफिसिट को बढ़ने नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख से कम आय वाले परिवारों की सरकार पहचान करेगी, साथ ही कम आय वाले परिवारों की आय बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा। 1 लाख BPL परिवारों की पहचान की गई है। जैविक खेती के लिए 3 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया। कॉलेज स्तर पर अमृता जांच के लिए लैब खोली जाएगी। पराली की समस्या खत्म करने के लिए बायो प्लांट पर काम किया जाएगा। मीडिया से रूबरू होते हुए CM ने कहा कि 1000 ATM किसानों के लिए गांव में स्थापित किए जाएंगे। किसानों को वित्तीय संस्थाओं से लेन देन करना भी सिखाया जाएगा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री में 2000 लोगों को रोजगार देने पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाटर रिचार्ज को लेकर सरकार काम कर रही है। जल स्तर को बढ़ाने के लिए 2 बड़ी योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। नूह में 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल भी बनवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षित पंचायती राज संस्थाओं के बाद हम पंचायती राज संस्थाओं को निधियां, कार्य एवं पदाधिकारी हस्तांतरित करके इनका सशक्तिकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। सरकार ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हम PRI के सशक्तिकरण, स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्तर को बनाए रखने, ठोस कचरा प्रबंधन, ग्रामीण जीवन के मूल्य संवर्धन, ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण अवसंरचना को सुधारने और शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक जीवंत बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं, ताकि केवल समग्र विकास ही गारंटी ना हो बल्कि उसे कायम भी रखा जा सके। सुनिए मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा। देखिए, तो बजट कोरोना का जो पीरियड था उसकी कठिनाई आप समझते हैं सारी। उसके बावजूद भी हमने जो पिछला बजट था उसमें 13% की वृद्धि की है। इस बार का बजट जो हमारा है 1,55,000 करोड़ रुपए का ये बजट हमने पेश किया है, और इसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो 3% की पहले सीमा रखी होती है, बीच में कभी कभी ज़्यादा भी जाता रहा होगा, लेकिन हमने उस फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ने नहीं दिया है। बावजूद इसके कि हमारे रेवेन्यू भी कुछ ना कुछ कम हुए हैं, फिर भी इतने कम नहीं हुए जितने शुरू में एक अपेक्षा की जा रही थी कि 17,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू कम हो गया, लेकिन अक्टूबर के बाद बढ़ना शुरू हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें लगभग 10-11 हज़ार करोड़ रुपया रिकवर भी हो गया है। मतलब मार्च मिला करके 11 हज़ार करोड़ कवर हो जाएगा, तो 5-1 हज़ार करोड़ रुपया उसका लॉस रहेगा। लेकिन कुछ खर्चे भी हमारे कम हुए और कुछ हमने सारी चीज़ों को सुधारा है, जिसमें से 8,500 जो हमको एक्स्ट्रा लोन लेने की एक सहूलत थी, जो पिछली बार डेट हमने प्रपोज किया था, उस समय से इतना हमने नहीं लिया। केंद्र सरकार ने एक नया प्रावधान दिया है कि इस बार उस लोन को आप आगे के लिए भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले साल में उसका उपयोग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जितने बजट की प्रावधान शुरू में कर दिए जाते थे, बाद में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसको अगले रिवाइज्ड बजट में ही, एस्टीमेट्स में ही लाया जाता था, लेकिन अभी एक क्वेश्चन हमारे पास ये इस अकाउंट के माध्यम से हो गया 8,500 करोड़ का, कि हम कोई भी नया प्रोजेक्ट किसी भी विभाग का बिना, मैं जहाँ तक समझाऊँ आप बता देना सेक्रेटरी साहब, बिना रिवाइज्ड एस्टीमेट में जाने के 8,500 करोड़ का एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, और इस 8,500 करोड़ के कोई भी चीज़ बिना रिवाइज बजट के जाने के उसको सरकार द्वारा कराया जा सकता है और बाद में पोस्ट फैक्टो उसको विधानसभा में लाया जा सकता है। क्यों, यही है ना? हाँ, तो इस प्रकार का एक रिवॉल्विंग फंड ये रहेगा, ताकि कभी भी सरकार को नई योजना बनाने में कठिनाई ना आए। और लॉन्ग टर्म जो बजट होते हैं, उस लॉन्ग टर्म बजट में भी पहले साल तो जितना लग गया, अगले 2 सालों में, 3 साल का 5 साल का बजट है, तो अगले सालों में उसके ऊपर जो बजट आता है, कई बार वो बजट के एस्टिमेट बदल जाते हैं, बढ़ जाता है, तो उस साल के बजट पर असर न पड़े ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो भी इस रिजर्व फंड में से निकाल करके उसमें लगाया जा सकेगा।
ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक